तो रोस्टिंग वीडियोस आप बनाना चाहते हो लेकिन एडिटिंग में कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी वीडियोस अच्छी बन नहीं रही या फिर लोगों को इतना मज़ा नहीं आ रहा, तो एडिटिंग कैसे अच्छी करनी है रोस्टिंग वीडियोस की वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखो, सबसे पहली गलती सभी रोस्टर्स आज के टाइम पे यही कर रहे हैं, स्पेशली जो नए क्रिएटर्स हैं, कि उनकी जो एडिटिंग का कट होता है ना वो बड़ा ही स्लो है। अब जैसे ये हमारे एक सब्सक्राइबर है, इन्होंने हमें अपनी रोस्टिंग की वीडियो भेजी थी। इसमें सबसे पहली गलती ही मुझे ये लगी कि इनकी जो वीडियो में बोलने का तरीका है काफी ज्यादा स्लो है। ये अपने आप को मोस्ट आइकॉनिक चाय वाला समझता है, लगता है इसने कभी मोदी जी का नाम नहीं सुना। अगर आप आज के टाइम पे किसी भी रोस्टर को देखते हो जो बड़े लेवल पे है, वो इसी वजह से है क्योंकि उनके बोलने का जो तरीका है काफी ज्यादा स्मूथ है और काफी ज्यादा फास्ट है। तो अपनी रोस्टिंग को स्मूथ बनाने के लिए सबसे पहले एडिटिंग में आपको करना पड़ेगा कि आपके जो कट है वो हर गैप में लगाने पड़ेंगे, यानी कि अगर आप सांस भी ले रहे हो तो वहां पे भी आपको कट लगाना है, जितना जूम हो सके उतना जूम करके जितना भी गैप है वो सारे गैप आपको डिलीट करने हैं। दूसरा, काफी ज्यादा लोग ग्लोइंग लाइन्स जो जैसे ठगेश अपनी वीडियोस में यूज करते हैं उसकी काफी ज्यादा डिमांड हमें करते हैं कि उस तरीके की एडिटिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली यूट्यूब पे लिखो नियोन ग्लोइंग स्क्वेयर साइन या फिर ग्लोइंग स्क्वेयर ग्रीन स्क्रीन, इस तरीके से जो भी आप लिखोगे आपको काफी सारी ऐसी क्लिप्स मिल जाएंगी जिनमें से जो आपको अच्छी लगे आप उसको यूज कर सकते हो। अब उसको यूज करने के लिए देखो सिंपली एक ही सिंपल सा तरीका है, जो भी फाइल आपको पसंद आई है उसको सिंपली अपने सॉफ्टवेयर के अंदर लेके आओ। अगर आप प्रीमियर प्रो यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको अल्ट्रा की के नाम से मिल जाएगा जिसमें ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर पाओगे, नहीं तो फोन के अंदर ज्यादातर क्रोमा के नाम से होता है ऑप्शन, तो क्रोमा में जाओ ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर दो। अब आपके पास सिर्फ एक ग्लोइंग लाइन का स्क्वायर बना रहेगा। अब इस स्क्वायर को सिंपली जिस भी वीडियो के पास आप लगाना चाहते हो उस वीडियो की लेयर के नीचे रख दो और इसको एडजस्ट कर दो उस वीडियो की लेंथ के हिसाब से। अगर इसको आप एडवांस बनाना चाहते हो तो उसमें दो चार चीजें और ऐड करनी पड़ती है, जो प्रीमियर प्रो में तो मुझे पता है कि कैसे करनी है, लेकिन फिर काफी लोग कहते हैं कि ये चीज फोन से कैसे हम कर सकते हैं, तो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, या फिर अगर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शन है ग्लो का तो ग्लो इफेक्ट और डाल सकते हो, तो इससे ज्यादा ब्राइटनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी इसकी। तो हे गाइस, आज फिर से बात करने वाले हैं एमबीए चाय वाले के बारे में, उर्फ प्रफुल्ल बिल्लोरे। तीसरी सबसे बड़ी गलती देखो आप भी करते हो और इन्होंने भी कर रखी है, देखो कि इनका जो म्यूजिक है और जो इनकी आवाज है वो बहुत ही ज्यादा तेज है। आपको आवाज कभी भी ऐसे तेज नहीं रखनी, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर भी ये ग्राफ बना आता होगा जहाँ पे जो आपकी ऑडियो के लेवल्स हैं ये बेसिकली रेड बार पे जब जा रहे हो या फिर ऑरेंज हो रहे हैं तो यानी कि आपकी आवाज़ फट चुकी है और वो अच्छी नहीं लगेगी ऑडियंस को। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी ऑडियो का लेवल है वो येलो पे रहे या फिर ऑरेंज को हल्का सा ही वो टच करे, कभी भी वो रेड की तरफ ना जाए। अब रोस्टिंग वीडियोस में देखो लोगों को आपकी वीडियो की क्वालिटी से मतलब नहीं होता, तो अगर आप फोन से भी वीडियो शूट कर रहे हो ना कम क्वालिटी चल जाएगी, लेकिन अगर आपकी आवाज क्लियर नहीं है तो वहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके चैनल के लिए हो सकती है। अब क्योंकि इन्होंने म्यूजिक को तेज कर रखा था तो इनकी जो पंच लाइंस थी वो ही सुनाई नहीं दी ठीक से लोगों को, तो लोगों को वो जोक पे हंसी कैसे आएगी। आप लोगों को बकायदे और बहुत अच्छे से काटा क्योंकि इसके अब कैरी मिनाटी का एक बहुत ही स्पेशल कट है जो वो बहुत बार यूज करते हैं अपनी वीडियोस में। ये कट बेसिकली आपकी वीडियोस के जो इंपॉर्टेंट डायलॉग है या जो पंच लाइन आपके आने वाली है उसको और ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है। ये कट लगाने के लिए बेसिकली आपको हर एक वर्ड के बाद कट लगाना है अपनी क्लिप में, जैसे एक वर्ड दूसरा वर्ड तीसरा वर्ड जो भी आप बोल रहे हो, और उसके बाद हर एक क्लिप को जो आपने कट करी है उसमें कभी किसी को जूम आउट कर दो, किसी का साइज छोटा कर दो, किसी को रोटेट कर दो, इस तरीके से आप अलग अलग करके उनकी प्रॉपर्टीज में यानी कि उनके फ्रेम्स को चेंज कर सकते हो। और रही बात मेम्स लगाने की तो देखो ये क्वैक का साउंड है काफी ज्यादा पॉपुलर है और काफी अच्छा भी लगता है, इसको मैं फ्री में इंस्टा पे आज गिव अवे कर दूंगा, तो अगर आपने इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं कर रखा तो वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। अब देखो गाइस, ये जो वीडियो क्लिप्स मेरे पास है ये काफी कम क्वालिटी की थी, तो इसको मैं ज्यादा अच्छे से आपको एडिट करके दिखा भी नहीं सकता था क्योंकि इसके अंदर बोलने का तरीका भी आपको देखना पड़ेगा कि कैसे अच्छा हो सकता है। अगर आप में से कोई रोस्टर है और उनके पास रो डेटा है जो आप हमें भेज सकते हैं तो इंस्टा पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि रो डेटा के साथ, या फिर अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं खुद से रोस्टिंग किस तरीके से एक वीडियो बनाऊं रोस्टिंग करके और उसको एडिटिंग करके दिखाऊं, अगर वो आप देखना चाहें तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब लोगों के एक दो सवाल होते हैं रोस्टिंग वीडियोस में लेके कि क्या देखो हम किसी और की वीडियो यूज़ करें तो परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर कॉपीराइट आएगा या नहीं। तो देखो रोस्टिंग वीडियोस के लिए डेफिनेटली अगर आप परमिशन लेते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और सेफ भी रहेगा, अगर आप परमिशन नहीं लेते हो तो जी हाँ सामने वाला बंदा आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। अगर आप ये सोचो कि वो बड़े बड़े क्रिएटर्स को भी क्यों नहीं मिलती, तो उनको भी स्ट्राइक मिल सकती है, बस बात ये होती है कि लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान को रोस्ट करो जिसमें आपको लगता है कि ये बंदा ठीक नहीं है तो देखो चांसेस पूरे पूरे होते हैं कि वो स्ट्राइक दे देगा, लेकिन ऐसा भी होता है कि ज़्यादातर लोग नहीं देते क्योंकि एज ए क्रिएटर कम्युनिटी वाली बात होती है, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिसकी वजह से वो स्ट्राइक ना दे पाए। तो स्ट्राइक से अगर बचना चाहते हो तो रोस्टिंग चैनल तो मेरे हिसाब से आपके लिए नहीं है।